अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, जो खाने में बहुत ही मजेदार और बनाना उससे भी आसान, बहुत ही यम्मी क्रीमी बादामी कुल्फा बनाएंगे, जिसका नाम ही सुनकर खाने को दिल करे। तो बहुत ही इजी लाजवाब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बहुत ही यम्मी बादामी कुल्फा बनाना स्टार्ट करते हैं। बादामी कुल्फा बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाफ लीटर मिल्क लिया है, यानी दूध। दूध को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूध हमने फुल फैट लिया है, आप डब्बे का भी यूज कर सकते हैं। दूध को बॉईल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हम लेंगे हाफ कप, आप हसबी जरूरत चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसमें 3 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर को हम थोड़ा सा दूध में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको मिक्स करके डालेंगे इस तरीके से, गुठलियां नहीं बनेंगी। अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम दूध को इतना गाढ़ा करेंगे कि ये दूध का आधा हिस्सा रह जाए, यानी हाफ हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है तो ये नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं दूध हमारा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है और दूध का ये आधा हिस्सा रह गया है। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 अदद इलायची पाउडर, आधा कप के करीब। हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। बादाम को हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। तीन चम्मच हम इसमें कटे हुए पिस्ते ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 400 ml हमने व्हिप क्रीम ली है, इसको हम व्हिप करेंगे। आप इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से भी। क्रीम हमारी एकदम चिल्ड होनी चाहिए। पांच मिनट हमने क्रीम को बीट कर लिया है। ये देखिए एकदम ये जबरदस्त व्हिप हो गई है। अब हमने जो बैटर बना के रखा था बादाम वगैरह का, वो इसके अंदर ठंडा करके डाल देंगे। अब दोबारा से हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्रीमी आइसक्रीम हमारी तैयार हो गया है। अब हम इसको आइसक्रीम बॉक्स में डाल लेंगे। अब हम इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब हम इसमें बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। ऊपर से इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 5 से 6 घंटे के बाद हमारा बादामी कुल्फा तैयार है। अब स्कूप की हेल्प से हम आइसक्रीम को सर्व करेंगे। बहुत ही क्रीमी टेस्टी स्वीट स्वीट बादामी कुल्फा बनकर तैयार है। आप अपने घर में ये बादामी कुल्फा जरूर बनाएं
और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं ये बादामी कुल्फा की रेसिपी आपको कैसी लगी। हमेशा की तरह अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मजेदार और न्यू रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।